हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देख लेते हैं हमारी होटल जहाँ पर हम अमृतसर में रुके थे। आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ये वाली जो होटल है वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है, एकदम ही वॉकेबल डिस्टेंस की दूरी पर है। बट हाँ, अगर आप एकदम ही नज़दीक वहाँ ढूंढने जाओगे तो वहाँ के चार्जेस और ये होटल के चार्जेस में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा ही चल ले, 300 मीटर से भी कम की दूरी है, तो थोड़ा सा चल के हमको अच्छी वाली होटल मिल रही है, तो क्यों हम ज़्यादा पैसे दें। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़े से इंटीरियर की। इंटीरियर जो बनाया है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा गया है आज की मॉडर्न एमिनिटीज़ को, और हम लोगों को भी अच्छा लगे वैसा इंटीरियर है। बहुत ही अट्रैक्ट करता है, प्लस डिसेंट भी है। तो और फैसिलिटी की बात की जाए तो फैसिलिटी भी यहाँ पर सारी दी गई है जो हमको बेसिक चाहिए होती है जब भी हम बाहर जाते हैं। पानी का कोई इश्यू नहीं है, गर्म पानी अच्छे से आ रहा था, प्लस रूम सर्विस भी, हाउस कीपिंग सर्विस, सारी सर्विसेज भी बहुत ही अप टू द मार्क थी। तो कोई हमको शिकायत नहीं रही ये वाली होटल से। रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर रखी गई है, ब्रेकफास्ट एरिया है, बफे एरिया है, वो सारी चीज़ें ऊपर के फ्लोर्स पे है। यहाँ पर थोड़ा सा कैफ़े भी बनाया गया है छोटा सा, जो कि बहुत ही क्यूट है। बेसिक अगर आपको वहाँ पर जाके कॉफ़ी पीनी है तो उसके लिए भी ये अच्छा वाला लोकेशन है। बात करते हैं ऊपर के फ्लोर्स की, तो इंटीरियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फ्लोर्स में जो क्लीनलीनेस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये है हमारा वाला फ्लोर जहाँ पर हमारी रूम्स प्रोवाइड की गई थी। ये एंट्री है, एंट्री से सीधा आप जाएंगे तो इस तरह से कॉरिडोर है, और यहाँ पर है तुरंत ही वॉशरूम जो कि काफ़ी डिसेंट है। और उसके साथ ही है एक बड़ा वाला मिरर रेडी होने के लिए, एक चेयर रखी गई है, वर्क स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर है बेड, ये वॉशरूम का व्यू है, इधर सिटिंग अरेंजमेंट, ड्रेसिंग मिरर एंड टीवी। और यहाँ पर है विंडो जो कि हम कल सुबह आपको व्यू दिखाएंगे, अभी तो मुझे ही कुछ नहीं दिख रहा है। एक वार्डरोब दिया गया है। तो ओवरऑल दिस इज द रूम। ये होटल का जो नाम है वो है द लैंडमार्क। व्यू की बात करें तो हमारा जो रूम था वो था सिटी व्यू रूम, और ऊपर के फ्लोर पे था तो काफ़ी अच्छा वाला व्यू भी आ रहा था। और इधर बैठ के मैं चाय पीती थी, मुझे अभी भी याद है, बहुत ही अच्छा वाला टाइम भी हमारा पास हो रहा था। प्लस नीचे से सारे लोग आते रहे थे क्योंकि यही वाला रोड है जो कि जाता है गोल्डन टेम्पल को, तो बहुत सारी पब्लिक पूरी रात भर यहाँ पर चहल पहल लगी रहती है, तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनली आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, तो बस अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चेकआउट कर लेंगे और फिर जाएंगे वापस मुंबई। तो ये थोड़ा सा होटल का जो टूर है वो मैंने आपको दे दिया है।